नमस्कार, मैं सीमा पाल टीसीबी विभाग से। आज मैं नीडल थ्रेडर के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। कैसे एक पूर्ण दृष्टि बाधित व्यक्ति थ्रेडर की सहायता से कितनी आसानी से सुई में धागा डाल सकता है, और यह थ्रेडर हमारे संस्थान से या फिर बाजार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सुई में धागा डालने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, सुई का नुकीला भाग नीचे की ओर होना चाहिए और चपटा भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर दृष्टि बाधित व्यक्ति राइट हैंड से काम करता है तो आपका आपके राइट हैंड में थ्रेडर होना चाहिए और लेफ्ट हैंड में सुई होनी चाहिए। थ्रेडर को तार को आगे से दबाते हुए सुई के छेद में डाल देना चाहिए और ये तार पूरा डालना चाहिए, आधा अधूरा नहीं डालना चाहिए। तार फ्लेक्सिबल होता है, वापस फिर से अपने आकार में आ जाता है। फिर हमें धागे में धागा लेना चाहिए और धागे में अगर हो सके तो आगे की साइड में एक गांठ लगा देनी चाहिए और जितना आवश्यक हो उतना हमें धागा तोड़ लेना चाहिए। अब सुई और थ्रेडर हमारे लेफ्ट हैंड में होना चाहिए और धागा हमारे राइट हैंड में होना चाहिए। अब हम धागे में इस गांठ को पकड़ के वायर के अंदर डाल देंगे तो यह आसानी से चला जाएगा। फिर हमें धागे को छोड़ देना चाहिए और एक हाथ से थ्रेडर और एक हाथ से सुई को हमें खींचना चाहिए। हमने पहले से ही धागे के अंदर एक गांठ लगाई थी, इस गांठ के कारण धागा दूसरी साइड से सुई में से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर इस गांठ की सहायता से एक दृष्टि बाधित व्यक्ति धागे को खींचकर दोनों किनारे एक साथ मिलाकर एक और गांठ लगा लेनी चाहिए। इस थ्रेडर की सहायता से एक दृष्टि बाधित व्यक्ति किसी भी आकार की सुई में धागा आसानी से बिना किसी की सहायता के डाल सकता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब दृष्टि बाधित व्यक्ति धागा डालता है उसके हाथ से सुई दाएं बाएं गिर जाती है, तो इसके लिए अच्छा है कि वह एक मैग्नेट की सहायता से सुई को ढूंढ सकता है। इसी में अब चर्चा समाप्त करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।